students, welcome to maths class. I am Archana Sinha and today I am going to start one more new chapter, that is chapter number 10, fraction. Okay, so as you know that we start our chapter with contents, so let's first see contents. Okay, in contents, first point is definition, second point is fractional numbers, then third point is numerator and denominator of a fraction, then fourth point is fractional part of a group of a fraction. Okay, now we will start our topic fraction. Fraction kya hota hai, you have already learned beta in a class 2. ठीक है, आपने क्लास 2 में एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपने इसको पढ़ा था, बट इन क्लास 3 वी विल लर्न मोर अबाउट फ्रैक्शन. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट, किसी भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन. कैसे? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जांपल. ओके, देखो फर्स्ट में मैंने क्या लिया, अब एक एग्जांपल के थ्रू में सबसे पहले आपको मैं फ्रैक्शन समझाती हूँ. नंबर वन में है 4 एप्पल्स है. ठीक है, अभी यहां हमारे पास कितने एप्पल्स है? 4 एप्पल्स, 1 2 3 4 एप्पल्स है. ठीक है, और यहां पर 2 गर्ल्स है, जिसमें हमको 4 एप्पल्स क्या है, इक्वली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, अब यहां पर ये टीना है और ये रीना है. ठीक है, इसका नाम क्या है? टीना, और ये है रीना. ठीक है, और 4 एप्पल्स है जो कि टीना को भी इक्वल देना और रीना को भी इक्वल देना. ठीक है, तो सिंपल है, 4 एप्पल है तो 2 एप्पल टीना को मिल गया और 2 एप्पल किसको मिल गया? रीना को मिल गया. तो 4 एप्पल में से 2 दोनों गर्ल्स को हम क्या कर दिए? इक्वली क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो यहाँ पे इसको टीना को कितना मिला? 2 एप्पल, एंड सेम रीना को कितना मिला? 2 एप्पल्स. ठीक है, नाउ सेकंड, अब नाउ वी हैव हाउ मेनी एप्पल्स हियर इन क्वेश्चन नंबर 2? ओनली 2 एप्पल्स. अब मेरे पास सिर्फ 2 एप्पल्स है, सेम वही गर्ल्स है टीना और रीना. अब इसको हमको एप्पल्स इक्वल क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, तो सिंपल, अगर 2 एप्पल्स है और 2 गर्ल्स है तो एक एक एप्पल को, एक एक गर्ल्स को कितना एप्पल मिलेगा? 1 एप्पल मिलेगा. सो ईच गर्ल गेट 1 एप्पल. अब टीना को मिला 1 एप्पल, रीना को भी मिला 1 एप्पल. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, तो इसको अगर 2 एप्पल से तो टीना को कितना मिला? 1 एप्पल, एंड सेम टीना को कितना मिला? 1 एप्पल. ठीक है, चलो अब हम यहां आते हैं नंबर 3. नाउ वी हैव ओनली 1 एप्पल. अब हमारे पास सिर्फ एक एप्पल है, 1 एप्पल, और सेम यहां पर 2 गर्ल सेम है, इनमें हमको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, टीना एंड रीना. ठीक है, अगर मेरे पास एक एप्पल है तो मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगी? यस, क्या करूंगी मैं? उसको बीच से हाफ काटूंगी. ठीक है, और उसके 2 इक्वल पार्ट करूंगी, और एक पार्ट किसको दूंगी? हाफ पीस किसको दूंगी? टीना को, और हाफ पीस किसको दूंगी? जो दूसरी गर्ल है रीना. हाफ ऑफ, देखो एक एप्पल के मैंने हाफ ऑफ किए, अब मैंने हाफ ऑफ इक्वल तो कर दिए. अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ आई कैन राइट हाफ इन मैथ्स. अब मैथ्स में मैं हाफ कैसे लिखूंगी? क्या मैं ऐसे लिखूंगी? देखो यहां पर 2 मैंने लिख दिया. ठीक है, यहां पर मैंने 1 भी लिख दिया, बट मैं हाफ को कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी, कंप्लीट उसका स्पेलिंग के साथ लिखूंगी? नहीं ना, जब हमको हाफ लिखना रहता है मैथ्स में, या है ना, तो हम क्या करते हैं? हम फ्रैक्शंस यूज करते हैं. आज यही हम सीखेंगे हाफ लिखना. ठीक है, देखो ये हाफ टीना को मिला एप्पल और हाफ रीना को मिला. ठीक है, आप इसको हाफ कैसे लिखेंगे? तो सिंपल बेटा, कि आप पहले एक लाइन खींचेंगे, जो कि आपका क्या होता है, ये आपका होता है एक डिविजन बार. ठीक है, अब टू पीस, टू पीसेस, मैंने एप्पल के कितने पीसेस किए?
टू पीसेस किए थे, ठीक है, एक एप्पल के मैंने टू इक्वल पीसेस किए, तो जो टोटल पीसेस होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, मतलब टू पीस में से वन पीस ऊपर, टू पीसेस में से वन पीस किसको मिला, टीना को, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी एप्पल के कितने पीसेस थे, टू इक्वल पीस, ठीक है। अब उसमें से जो दूसरा वाला जो पीस था वो किसको मिला, टीना को, ठीक है। तो देखो जब इस टाइप से हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है मीन्स वन पार्ट, वन हाफ पार्ट किसके पास था, टीना के पास, किसमें से, दो इक्वल पीस में से, दो इक्वल पीस में से एक एक पार्ट किसके पास गया, टीना के पास, और दो इक्वल पीस में से दूसरा वाला जो जो पार्ट था वो किसके पास मिला, टीना के पास। इसको हम क्या कैसे पढ़ते हैं, वन बाई टू, ठीक है। जितना पीस हमारे पास है, हमको जितना पार्ट मिला है वो हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, कितने पार्ट्स में से मिला है, टोटल पार्ट्स कितने थे उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो हाफ देन हाफ, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ, वन बाई टू, टू पीस में से वन पार्ट, टू पीस में से दूसरा वन पार्ट, ठीक है, वन बाई टू। नाउ वी विल सी डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन के डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है फ्रैक्शन, मीन्स पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट, ठीक है, होल, होल मीन्स ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है, किसी भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स आप एप्पल ले सकते हो, आप टॉफी ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो, कोई भी सामान जो कंप्लीट होना चाहिए उसका एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी हूँ, यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट मैंने लिया है होल, ठीक है, होल मीन्स एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा लिया है, यहाँ पर तो मैंने सर्कल बनाया है और मेरे पास क्या है, ये एप्पल है, ये होल एप्पल है, मीन्स एक कंप्लीट एप्पल है, ठीक है। अभी मैंने इसका कोई पार्ट किया क्या, नहीं मैंने तो कोई पार्ट नहीं किया, ये एक कंप्लीट या होल ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, मैंने ऑब्जेक्ट लिया है एप्पल, ठीक है। और मैंने बोर्ड में क्या ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने लिया है सर्कल। तो देखो होल, ये क्या है, होल सर्कल, ठीक है। अभी इस सर्कल को हमने डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, ये होल सर्कल है, ठीक है। देन सेकंड है वन हाफ, वन हाफ। अब मैं ये जो होल सर्कल था, कंप्लीट एक सर्कल था, उसको मैंने क्या कर दिया, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये देखो मेरे पास ये एप्पल है, ठीक, अब मैं इसको बी से कट करूंगी, मीन्स के टू पीसेस करूंगी। देखो ये मेरा एप्पल, ये एक कंप्लीट पूरा होल एप्पल था, ठीक है, अब मैंने इसके टू पीसेस कर दिए, ठीक है। तो ये वाला पीस क्या कहलाया, हाफ, और ये वाला पीस क्या कहलाया, हाफ, मीन्स हाफ हाफ करके टू इक्वल पार्ट मेरे पास आ गए, ठीक है। जैसे मैं इसके पहले मैंने बताया था टीना और रीना वाला, वन एप्पल था तो उसको एक टीना और रीना को एप्पल क्या क्या मिले, हाफ हाफ एप्पल मिले, ठीक है। देखो तो ये एक पार्ट हो जाता है वन हाफ, और ये पार्ट हो जाता है वन हाफ। अब वन हाफ को हम लिखते कैसे, सपोज सेम यहां पर होल ऑब्जेक्ट है, होल ऑब्जेक्ट में क्या लिया मैंने, सर्कल लिया, सर्कल को हमने क्या कर दिया, बीस से डिवाइड कर दिया टू इक्वल पार्ट में। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपका सपोज ये एक और मैं एप्पल ले रही हूं, देखो मैंने इसको बीस से हाफ तो किया है, लेकिन ये वाला देखो, देखो पीस कितना बड़ा है और ये एकदम छोटा, तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा क्या, नहीं। कोई भी पार्ट करेंगे, अगर हम किसी भी होल ऑब्जेक्ट को हम अगर उसको डिवाइड करते हैं तो इक्वल होना चाहिए। अगर आपका होल ऑब्जेक्ट अगर आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है तो हम उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये फ्रैक्शन आपका नंबर में काउंट नहीं होगा, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो आपको जो भी कुछ करना है बेटा, अगर आपको तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, जैसे ये दोनों पीसेस क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सर्कल क्या है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये पार्ट कहलाए वन हाफ और ये पार्ट भी कहलाए वन हाफ। तो हम इसको लिखेंगे कैसे,
हम इसको लिखते हैं, ये बीच में एक लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिविजन बार बोलते हैं, ठीक है। नीचे जो रहता है वो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट होता है, मीन्स किसी भी होल ऑब्जेक्ट को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, टोटल टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितना किए, टू। जैसे ये होल एप्पल था, मैंने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया, तो नीचे जो टोटल पार्ट होता है उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब उसमें से वन हाफ मैंने क्या किया, मैंने अपना मैकेनिकल रख ली, मैं वन हाफ खाऊंगी और वन हाफ मैं किसी दूसरे को दे दी, तो मेरे पास कितना पार्ट हुआ, दो इक्वल पार्ट में से मैंने कितना पार्ट लिया, वन लिया ना, तो ऊपर लिखेंगे वन, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट वी हैव, जितना हम लेते हैं, या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं, शेडेड मीन्स वन, उसमें से टू इक्वल पार्ट में से वन पार्ट हमारे पास रहना या किसी और को देना, ठीक है। तो आप शेडेड में से समझ लो कि आपके पास उतना इक्वल पार्ट आपके पास है, तो उसको जितना आप रखें वो लिखेंगे ऊपर वन, और कितने में से आपका टू इक्वल पार्ट में से आपके पास कितना पार्ट है, वन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, और ऊपर क्या होता है, जो पार्ट हमने लिया है रखा है या दूसरे को दिया है, ठीक है। तो वन बाई टू वी रीड एज वन बाई टू, वन बाई टू, तो इसको वन बाई टू को हम क्या बोलते हैं, हाफ। जब भी आप लिखेंगे तो हाफ को वन बाई टू करके ही लिखेंगे, समझ में आया आप लोग को। नाउ नेक्स्ट, वन थर्ड, वन थर्ड। अब ये सर्कल होल सर्कल था, दिस इज होल सर्कल। अब इस होल सर्कल के हमने हमने क्या किया, उसको तीन इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पर ये इस तरह के जो नंबर लिखे होते हैं वन बाई टू, है ना, ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करके किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पर होल सर्कल था, उसको हमने थ्री इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट क्या, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, जैसे यहां पर वन बाई टू वन बाई टू, मतलब ये हाफ पार्ट ये हाफ पार्ट, ठीक है। लेकिन इसमें होल सर्कल में हमने कितने पार्ट में इक्वल डिवाइड किया, देखो सब पार्ट इक्वल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ये अपना डिविजन पहले लाइन खींचो, इसको बोलते हैं डिविजन बार, ठीक है। टोटल नंबर कितने इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इज थ्री, जो इक्वल पार्ट में हमने जितना डिवाइड किया उसको हम नीचे लिखते हैं थ्री। थ्री में से कितना शेडेड है, शेडेड मतलब जो मेरे पास है उसमें से तीन हिस्सों में से एक हिस्सा मेरे पास है, तो उसको कैसे लिखेंगे, वन। देखो यहाँ शेडेड देख लेना, कितना पार्ट शेडेड है, वन, तो उसको हम लिखेंगे वन, मतलब तीन इक्वल पार्ट में से वन पार्ट मेरे पास है या दूसरे के पास है या शेड किया गया है, ठीक है। तो वन बाई थ्री, सो वी रीड इज रीड एज वन थर्ड, हम इसको कैसे रीड करते हैं, वन थर्ड, ठीक है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी वन फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर होल क्या है, सर्कल है, होल सर्कल है, होल सर्कल में से मैंने कितना इक्वल पार्ट किया, वन टू थ्री फोर, ठीक है, और एक एक पार्ट क्या है, वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ। अब देखो ये सिंपल सा, ये आपका एप्पल था, मैंने टू पार्ट में इसको डिवाइड किया था, अब इस एप्पल के मैं को मैं फोर्थ पार्ट में क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। देखो एक होल एप्पल के कितने कितने पार्ट हो गए, फोर इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। अब फोर इक्वल पार्ट में से वन पार्ट मैं क्या करती हूँ, खा लेती हूँ, ये मैं अपने पास रख ली, तो मैंने फोर इक्वल पार्ट में से कितना पार्ट खाया, वन फोर्थ पार्ट खाया, ठीक है। तो सेम, तो मैंने क्या फोर पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट को लिया, तो मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सेम वन बाई फोर्थ, मतलब एक हिस्सा मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ फोर इक्वल पार्ट में से, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है।
अब देखो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब मैंने उससे कितने इक्वल पार्ट किए, 4 इक्वल पार्ट किए, उसमें से कितना पार्ट शेडेड या कितना पार्ट हमारे पास है, 1/4, मतलब 4 इक्वल पार्ट में से 1 इक्वल पार्ट मेरे पास है या मैंने लिया है या दूसरे ने लिया या शेड किया है। ठीक है, शेड से आप समझोगे तो 1/4, सो वी रीड एज 1/4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स वी सी 2/4। अब यहां पे देखो होल सर्कल है, होल सर्कल भी कितने इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 4 इक्वल पार्ट में। ठीक है, उसमें से 2 पार्ट शेडेड है, मतलब ये 4 इक्वल पार्ट में से, ये 4 एप्पल में से मैंने 2 पीसेस को ले लिया, मैंने 2 पीसेस लिया तो मेरे पास कितने पीस हुए, 2 पीस। तो जितना हम लिए हैं या जितना शेडेड है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर। कितने इक्वल पार्ट में से, 2 इक्वल पार्ट में से, मतलब एक एप्पल में से कि मैंने 4 टुकड़े किए और 4 टुकड़े में से मैंने 2 टुकड़ा क्या किया, ले लिया। तो मैंने कितना लिया, मैं कितना ली, 2/4 पीस ली, मीन्स 2 मेरे पास है, कितने पीसेस में से, 4 पीसेस में से। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2/4। ठीक है, नाउ नंबर 6, 1/5। देखो ये रेक्टेंगल है, इक्वल पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इक्वल पार्ट है, उसमें से एक पार्ट मैंने रखा या एक पार्ट क्या है, वो शेडेड है। तो 5 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट क्या है, शेडेड है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 1/5। मीन्स जो भी फ्रैक्शन होते हैं बेटा, फ्रैक्शन ये जो इस तरह से हम लिखते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 2/4 एंड 1/5, इस टाइप ये जितने भी नंबर है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। और फ्रैक्शनल नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं, किसी भी होल ऑब्जेक्ट को पहले इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वली डिवाइड होना चाहिए, अगर किसी भी होल ऑब्जेक्ट अगर वो अनइक्वली है या इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है तो हम फ्रैक्शन में उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो कोई भी होल पार्ट के को क्या करता है, वो इक्वली रिप्रेजेंट करता है, और उसमें से किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स है ना, कि कोई टोटल 5 नंबर्स हमको मिले, कहाँ से मिले, जो मैंने लास्ट टाइम मैंने जो एग्जांपल बताया था, ठीक है, उसी में से हम लोग मैंने नंबर लिया, 1/2 मीन्स हाफ। ठीक है, एक होल नंबर लिए थे, होल नंबर हम लोग लिए थे। ठीक है, होल नंबर को हमने जब 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हमको कौन सा नंबर मिला, 1/2 मीन्स हाफ। ठीक है, जब 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हमको कौन सा नंबर मिला, 1/3 मीन्स 1/3। जब हमने 4th इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था होल ऑब्जेक्ट को तो हमने कौन सा नंबर लिया, 1/4। ठीक है, 2/4 एंड 1/5। जब ये इस तरह के जब हम नंबर्स को लिखते हैं, है ना, इस तरह से हम जब लिखते हैं तो उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। इस टाइप के नंबर्स को लिखने को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1/2 इक्वल पार्ट, 1/3 इक्वल पार्ट्स, 1/4 इक्वल पार्ट्स, 2/4 इक्वल पार्ट्स, 1/5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब 5 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट सेलेक्ट करना या 1 पार्ट आपके पास रहना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, क्या ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, मैंने लिया है एक स्क्वायर लिया है। ठीक है, और ये स्क्वायर कितने पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 4 इक्वल पार्ट में, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, शेड है मतलब वो सेलेक्टेड है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अभी मैंने बताया था पहले फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिवीजन बार बनाते हैं, मीन्स एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कितने टोटल इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो नीचे क्या है, टोटल इक्वल पार्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ टोटल इक्वल पार्ट, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 लिखे। ठीक है, उसमें से कितना पार्ट सेलेक्ट है, ओनली 1 पार्ट सेलेक्ट है, उसको हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, इसको बोलते फिर 1/4। ठीक है, अब बेटा ये हम ये जो नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम मैंने आपको बताया, तो देखो
नीचे का जो नंबर होता है वो क्या क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। वो क्या शो करता है कि किसी भी होल ऑब्जेक्ट के टोटल कितने इक्वल पार्ट है। ये होल ऑब्जेक्ट था स्क्वायर, इसके कितने पार्ट है, फोर। ठीक है, जो हम नीचे लिखते हैं टोटल इक्वल पार्ट लिखते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, पता आप लोगों को पता नहीं होगा कि फोर क्यों लिखा, फोर किस लिए लिखते हैं, तो फोर का हमेशा याद रखना है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, किसी भी होल ऑब्जेक्ट के कितने हमने इक्वल पार्ट किए वो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्ट भी है, कितने पार्ट हमारे पास है, या कितने चार टुकड़ों में से कितना टुकड़ा हमने अपने पास रखा है या दूसरे को दिया है या वो सेलेक्ट है। ठीक है, तो उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन होता है डिवीजन बार, वो क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है। मींस टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में से वन इक्वल पार्ट जो सेलेक्टेड है, दोनों पार्ट को क्या करता है, वो सेपरेट करता है। इसलिए हम इसको डिवीजन बार से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि हम क्यों लिखते हैं। अच्छा, किसी भी फ्रैक्शन नंबर में दो नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक ऊपर में एक नीचे में, आप देख रहे हो। ठीक है, उनके पर्टिकुलर क्या होते हैं, नेम होते हैं। ठीक है, ये तो हमको पता चला कि क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, लेकिन इसके क्या, ऊपर का नंबर का एक नेम होता है, नीचे के नंबर का भी एक नेम होता है। क्या होता है, सपोज इसी एग्जांपल को मैं ले लूं, 1/4। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ऊपर में जो भी नंबर होता है जो हमने सेलेक्ट किया या शेडेड है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्ट भी है, जो हमारे पास पार्ट है वो न्यूमरेटर बताता है। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है आपका, वन। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, वन। इस नंबर में न्यूमरेटर क्या है, वन। इस फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर क्या है, वन। इस फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर क्या है, टू। इस फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर क्या है, वन। ऊपर के जितने भी नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, फोर क्या है, डिनोमिनेटर है। अब ये नीचे के जितने भी नंबर है उसको वो डिनोमिनेटर है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, इस फ्रैक्शनल नंबर में टू, डिनोमिनेटर इस नंबर में क्या है, थ्री। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, फोर। इसमें क्या डिनोमिनेटर, फोर। और इसमें डिनोमिनेटर क्या है, फाइव। तो न्यूमरेटर हमको क्या बताता है कि नंबर ऑफ पार्ट भी है, हम कितने पार्ट को सेलेक्ट किए हैं, और डिनोमिनेटर क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है,